आगरा में रात के समय बीहड़ से अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मशीन से अवैध तरीके से मिट्टी खनन हो रहा था। स्थिति यह है कि जब टीम ने रोकने की कोशिश की तो इन खनन माफियाओं ने टीम के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर दी। वन विभाग की टीम ने छापेमारी में जब्त ट्रैक्टर को सीज कर खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पापीनगर क्षेत्र में वन कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, खनन माफिया द्वारा क्या मामला है? मामला ये है कि आज रात को एक मुखबिर साहब की हमारी सूचना आती है कि ऐसे ऐसे पापी नागर ब्लॉक में अवैध खनन किया जा रहा है। तो हमारी पूरी टीम रात में वहाँ पहुँचती है और उनको घेरने का हमने प्रयास किया। ट्रैक्टर चालक जो है वो भागने लगे वहाँ से, ट्रैक्टर के भागने लगे तो हमारे वन रक्षक हैं सदानंद, जो वहाँ बीट प्रभारी भी हैं, उन्होंने ट्रैक्टर को रोकने के लिए उसका पीछा किया, दौड़े तो ट्रैक्टर चालक ने उनका ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। उनके पापड़ी नगर क्षेत्र में वन कर्मियों पर खनन माफिया द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, सर क्या है मामला? ऐसा आज मध्य रात को मुझे सूचना मिली कि पापड़ी नगर वन ब्लॉक में जो है अवैध खनन हो रहा है। हमारी टीम मौके पर पहुँची, सदानंद यादव, रघुवीर पाल, विजय सिंह, नीरज कांत शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी मौके पर पहुँचे। हमारे वन रक्षक ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तो उसने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उनके चोट आई है और फिर किसी प्रयास से उन्होंने गोली मार। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।